हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वेरी ब्राइट एंड रिजल्ट इंश्योरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ श्री साइंस एकेडमी एंड साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, इस समय हम लोग पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की प्लाइडी पढ़ी। उसमें पढ़ा गया था कि यू प्लाइडी क्या होती है, एन यू प्लाइडी क्या होती है। ऐसे हमने एन्यूप्लाइडी में हम लोगों ने देखा था कि हाइपोप्लाइडी क्या है, हाइपरप्लाइडी क्या है। फिर हाइपोप्लाइडी में हम लोगों ने देखा था कि मोनोसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी क्या होती है। डिफरेंट टाइप के मोनोसोमी और ट्राइसोमी देखे गए थे। फिर हाइपरप्लाइडी में हम लोगों ने देखा था कि मोनोसोमी आपने घर देखा था, मोनोसोमी में क्या था, यहाँ पर था आपका, आपने देखा था वहां पे एन्यूप्लाइडी में हाइपोप्लाइडी और हाइपरप्लाइडी देखा था। हाइपोप्लाइडी में आपने देखा था मोनोसोमी और नलिसोमी देखा था, डिफरेंट टाइप के मोनो और नलिसोमी देखा गया था। फिर आपने हाइपरप्लाइडी में देखा था क्या चीज, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी देखा था, उनके डिफरेंट टाइप देखे थे। इस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। इसके बाद से टर्म आता है यूप्लाइडी का। यूप्लाइडी में हमने कहा था कि तीन तरह होते हैं, एक होता है मोनोप्लाइट्स, दूसरा होता है डाइप्लाइट, तीसरा होते हैं पॉलीप्लाइट्स। मोनोप्लाइट्स क्या होते हैं, सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे इनको प्रोड्यूस करते हैं भी बात हम लोग पढ़ चुके हैं, उनका क्या एप्लीकेशन देख चुके हैं हम लोग। डाइप्लाइट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जितना भी हम अपने प्लांट्स में या एनिमल्स में हम पढ़ते हैं, सब डाइप्लाइट ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ते हैं। डाइप्लाइट में ही पढ़ा जाता है, हम लोग क्या करते हैं वहां पर हम ऑर्गेनिज्म की मार्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी सब पढ़ते हैं। तो जो डाइप्लाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में ट्रिग्नोमेट्री किया जाता है, जेनेटिक्स में से को नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं मोनोप्लाइट्स और पॉलीप्लाइट। तो मोनोप्लाइट्स एंड हैप्लाइट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज नंबर है अपना पॉलीप्लाइट का। जब शुरू करते हैं हम लोग पॉलीप्लाइट्स और देखते हैं पॉलीप्लाइट्स होते क्या क्या होते हैं पॉलीप्लाइट्स। एक बात ध्यान दीजिए, प्लाइडी को समझिए। प्लाइडी का मतलब मैंने बताया था आपको कि प्लाइडी ये टर्म सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, प्लाइडी क्या होती है। प्लाइडी डिस्क्राइब क्या बताती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। सीधे सीधे क्या ध्यान रखते, क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट होता है, लेकिन ये डेफिनेशन बुकी से ऐसे बहुत बात क्लियर होती होती नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जब एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट ही है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो मोनोप्लाइट आपके होंगे, मोनोप्लाइट, तो मोनो का मतलब आप देख रहे हैं क्या होता है, वन होता है। समझा सकते हैं कि मोनोप्लाइट में कितना होगा, तो मोनोप्लाइट में क्या होगा, क्या कर सकते हैं, इनके पास केवल एक होता है सेट, यानी कि कह सकते हैं आप लोग मोनोप्लाइट्स हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओनली वन सेट। अभी हम बात को क्लियर करके थोड़ा सा पहले थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी पैटर्न पे आएगा। ऐसे पूछे कोई कि डाइप्लाइट में कितने क्रोमोसोम के सेट आप बताएंगे, दो सेट होता है, तो जो डाइप्लाइट हमारे हैं उनके पास हो जाएगा टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जो डाइप्लाइट होते हैं इनमें कह सकते हैं क्या, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो फिर पॉलीप्लाइट क्या होते हैं, तो पॉलीप्लाइट भी हो जाएंगे जिसमें मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो जाए। पॉलीप्लाइट्स क्या हो जाएंगे, जिनमें क्या हो जाए मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, वो पॉलीप्लाइट जाएंगे। तो कह सकते हैं हैव मोर देन टू, मोर देन टू, ये तो बुक इस बात है, हालांकि क्वेश्चन इसी पे आएगा तो हम तो देख ले रहे हैं, हैव मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम।
अच्छा, अब हम कैसे जानने की कि कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम है? ये तो डिफिनेशन हो गई कि मोनोक्लाट्स में क्या होता है ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, डाइक्लाट में उनका दिया है टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और पॉलीक्लाट का दिया है मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो आखिर में ये सेट ऑफ क्रोमोसोम है क्या चीज, और कैसे पता करें कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है या मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, कैसे जाने? तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सेट ऑफ क्रोमोसोम है क्या चीज, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या चीज है, और कैसे पता करेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम। भाई जब मैं सेट ऑफ क्रोमोसोम जान लूंगा तो कह दूंगा कि जो मोनोप्लांट है वहां पे ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, डाइप्लांट में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ट्राईप्लांट में थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टेट्राप्लांट में फोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आखिर में सेट ऑफ क्रोमोसोम है क्या चीज, तो पहले तो सेट ऑफ क्रोमोसोम जानते हैं, फिर दिखाएंगे कि कैसे हम इसको काउंट करेंगे और फिर कैसे हम पता करेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म हमारा मोनोप्लांट है, डाईप्लांट है, ट्राईप्लांट है कि टेट्राप्लांट है अथवा कोई प्लांट है। ठीक है ना, चलिए पहले पता करते हैं कि सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या चीज है। तो सर चलिए बात करते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्रोमोसोम ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे कि किसी सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और हम इसमें क्रोमोसोम देखेंगे। तो मान लीजिए आपने क्या किया कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से आपने क्या किया, आपने न्यूक्लियस स्टडी करना शुरू किया, या तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उसकी स्टडी करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, सपोज करिए कि मैं कह दूं यहाँ पे एक पेयर क्रोमोसोम का यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर वन पेयर है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम आपको देखिए कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम का पेयर है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम का ऐसे पेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ क्रोमोसोम का ऐसे दिखाई दे रहा है। मान लीजिए तो सपोज करिए हमने यहाँ पे फोर थोड़ा और कर लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारे क्रोमोसोम के फाइव यहाँ के क्रोमोसोम के पेयर दिखाई पड़ रहे। मैंने क्या कहा है हमारा न्यूक्लियस है और इसमें क्रोमोसोम हमको हमने व्हाइट कलर दिखाया। अच्छा एक बात समझिए, हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोम आपस में पेयर किए हैं वो क्या कहलाएंगे, वो लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं। यानी अगर मैं इस क्रोमोसोम की बात करूं तो सपोज करिए कि हमने क्या किया, इस पर मैं कहूँ जीन यहाँ पर है, जीन हमारे हैं वन टू थ्री एंड फोर, ये हमारे चार जीन हैं, तो इस पर भी वही वन टू थ्री फोर जीन ही होंगे, है ना। एक बात समझना है कि जो क्रोमोसोम पेयर किए हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर जो हम देख सकते हैं अपने माइक्रोस्कोप से, तो जो क्रोमोसोम यहाँ पे पेयर किए हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे और उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, है ना। अब देखिए अब ये दूसरा क्रोमोसोम है जो अलग है इससे, तो इसके जीन सर्टेनली डिफरेंट होंगे। मान के जीन को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए ये जीन फाइव है, ये जीन सिक्स है और ये जीन सेवन है, लेकिन इसके इसके जीन से वन टू थ्री फोर इसके जरूर डिफरेंट होंगे। अगर इसी के जैसे यहाँ जो जीन होते हैं ये इनके साथ पेयर कर जाता, लेकिन हाँ एक बात समझना है कि ये जो दो पेयर किए हैं आपस में उनपे जीन सिमिलर होंगे, यानी दूसरे वाले पर भी जीन आपका फाइव होगा, सिक्स होगा और ये सेवन होगा, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए हमने कहा कि ये अलग क्रोमोसोम है, तो ध्यान दीजिएगा अगर इनके साथ तो पेयर नहीं कर रहा अलग है, तो इस पे जीन डिफरेंटली यानी कि यहाँ पर जरूर यहाँ पर अलग होंगे। इस पर जीन मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर जीन एट है, ये जीन नाइन है और ये जीन टेन है, तो जो पेयर कर रहा है वहां भी जीन आपको होंगे एट हो जाएंगे, नाइन हो जाएंगे और टेन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो क्रोमोसोम पेयर है उन पर अलग अलग टाइप के जीन्स हैं, लेकिन जो दो क्रोमोसोम आपस में पेयर कर रहे हैं उनपे जीन जो होते हैं सिमिलर होते हैं, यानी जो जीन इस पर होगा वही इस पर भी होगा, लेकिन इस पर अलग जीन होगा क्योंकि जो जीन इस पर है अगर वही यहाँ हो जाता तो फिर क्या हो जाता आपका, ये दोनों ये सब आपस में पेयर कर जाते हैं, यानी जितने भी क्रोमोसोम के पेयर होते हैं सबके सब होते हैं जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम आपस में सिमिलर होते हैं, होमोलोगस होते हैं। एक बात समझिए, अब मैं जो आपसे सेट की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम सेट की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि सपोज कि इसको मैं कहूँ कि हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर है,
ये हमारा सेकेंड क्रोमोसोम पेयर है, इसको मैं थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह रहा हूँ, इसको मैं फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह रहा हूँ, इसको मैं फिफ्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह रहा हूँ। हमारे पास फाइव पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली डिसाइड किया जाता है। मतलब सिंपली क्या करते हैं, हम सेल को लेते हैं, उसके न्यूक्लियस को हम यहाँ पे स्टेन करते हैं और फिर न्यूक्लियस को क्या करते हैं हम लोग वहां पे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सब साफ साफ दिखता है। अब देखिए क्रोमोसोम सेट का मतलब क्या क्या है। अगर मैं कहूं कि क्रोमोसोम सेट है क्या मतलब, समझे आप क्या करेंगे कि हर प्रकार का एक एक क्रोमोसोम आप लेंगे, हर प्रकार का एक एक क्रोमोसोम लेंगे तो जो एक सेट बनेगा वही कहलाएगा क्रोमोसोम सेट, है ना। इसका मतलब क्या करेंगे, मान लिया आप यहाँ से क्रोमोसोम ले लिए, मान लीजिए हम देखिए थोड़ा ऐसे ही बनाते हैं जैसा हमने यहाँ बनाया था, देखिए जा तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ कर लेंगे फर्स्ट वाला, तो हमने यहाँ से हम एक ले लिए, ये दूसरा एक यहाँ से ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया ये वाला थोड़ा ऐसे हो गया, फिर हमने ये ले लिया तीसरा वाला हमने ले लिया, यहाँ पर एक हमने यहाँ ले लिया हमारा इस तरह से हो गया, एक ये हमने ले लिया ये हो गया इस तरह से। तो हमने क्या किया कि एक एक क्रोमोसोम हर जगह से लेना है, एक यहाँ से लिया एक यहाँ से लिया एक थर्ड से लिया एक फोर्थ से लिया फिफ्थ से लिया, तो ये जो हमारा फाइव क्रोमोसोम का एक सेट बनेगा ना यही हमारा क्रोमोसोम सेट होगा, ये हमारा क्रोमोसोम सेट होगा, ठीक है ना। हमसे कोई पूछे कि बताइए इस एग्जाम्पल में इस ऑर्गेनिज्म में एक सेट में कितने क्रोमोसोम है, तो आप क्या करेंगे कि जितने टाइप के क्रोमोसोम से वहां से एक एक क्रोमोसोम लीजिए, एक फर्स्ट से एक सेकंड से एक थर्ड से एक फोर्थ से और एक फिफ्थ से, तो जो नया सेट बनेगा वही कहलाएगा आपका क्रोमोसोम सेट बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब पांच क्रोमोसोम से हमारा एक सेट बनता है, तो इसमें कितने क्रोमोसोम है गिन लीजिए, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 का 10 होगा, तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट और इसी को आप जानते हैं प्लाइडी भी कहते हैं, ये कितना निकल जाएगा, तो निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपान इसका बटा कितना करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए सेट अपान हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए सेट, हम इन ए सेट तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को एक सेट में जितने क्रोमोसोम है उससे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहां प्लाइडी मिल जाएगी। तो अपने एग्जांपल में आप क्या होंगे ध्यान दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, देखिए यहां पे 10 है ना, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यानी प्लाइडी हमारी यहां से इस फार्मूले से क्या निकलेगी ध्यान दीजिएगा, प्लाइडी निकले क्या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 10 और अपान नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेट कितने हैं 1 2 3 4 5 5, तो 10/5 कितना आ जाएगा 2, यानी ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल ग्राउंड होता है प्लाइडी निकालने का और क्रोमोसोम को काउंट करने का। एक और बात समझिए, सबसे आसान तरीका वो ये होता है कि अगर क्रोमोसोम का जो पेयर है वो यूनिफॉर्म है, यानी हर सेट में बराबर बराबर संख्या में अगर क्रोमोसोम है, तो कुछ मत करिए, बस एक जगह गिन लीजिए कितने क्रोमोसोम पेयर में है, सिर्फ एक जगह, तो एक जगह जितने क्रोमोसोम पेयर में होंगे वही उसकी प्लाइडी कहलाती है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो क्रोमोसोम का पेयर बन रहा है, क्या हो जाएगा डाइप्लॉयड हो जाएगा। ऐसे भाई मैं कहूँ आपसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे तीन तीन क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं, मान यहाँ कर दिया जाए यहाँ पे तीन तीन क्रोमोसोम पेयर कर रहे थे, यहाँ पे थ्री क्रोमोसोम पेयर किए थ्री पेयर कर रहे, ऐसे वहां दूसरा वाला ऐसा था यहाँ पे थ्री क्रोमोसोम पेयर कर गए, ठीक एक ऐसा था यहाँ देखिए थ्री क्रोमोसोम पेयर कर गए, तो अगर तीन तीन क्रोमोसोम पेयर करते हैं तो क्या कहलाएगा ट्राइप्लॉयड। तो ये सब तो खैर थ्योरी है, पढ़ना चाहिए जानना चाहिए, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है कि बस एक जगह देखिए कितने क्रोमोसोम पेयर किए हैं, तो अगर एक जगह अगर दो दो क्रोमोसोम की दिखा दो क्रोमोसोम पेयर किए हैं, यहाँ भी दो ही है यहाँ भी दो ही है, कैसे कैसे क्या बोलेंगे इसको डाइप्लॉयड कहते हैं। ये जो फिगर क्या बता रही है, ये फिगर हमारी बता रही है डाइप्लॉयड है ना। इसमें क्या देख रहे हैं
तो सारी थ्योरी आप जानते रहिए। थ्योरी मतलब क्या, मैं थ्योरी में लगाऊंगा तो 3 + 3 + 3 9, टोटल क्रोमोसोम 9 हो गए, तो 9 हुआ हो जाएगा। अपान कितने क्रोमोसोम सेट हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेट में कितने क्रोमोसोम हैं, आप देख रहे हैं कि एक यहाँ से लेंगे एक यहाँ से लेंगे, 3 हो जाएगा, तो 9 / 3 कितना आ जाएगा, 3 ही तो आएगा ना। तो थ्योरी से भी आपका वही आएगा, और अगर हम डायरेक्ट जो हम तरीका बता रहे उससे भी आपको वही आएगा। क्या करें, सिंपली एक जगह पे कितने क्रोमोसोम हैं उन्हीं को बस काउंट कर लीजिए, आपका क्लैडी निकल आएगा। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पर 3 क्रोमोसोम यहाँ पे अपीयर किए, देखिए यहाँ भी 3 का अपीयर, यहाँ भी 3 का अपीयर हुआ है। तो एक जगह पे जितने क्रोमोसोम पेयर करेंगे वही उसकी क्लैडी होती है। तो हमारे हिसाब में देख रहे हैं अगर 3 क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये फिगर आपकी ट्राईप्लाइड सेल की है। ये क्या है, ट्राईप्लाइड सेल की फिगर है। तो इस तरह से क्या करना है कि आप पूरा यहाँ पे थ्योरी भी जानिए, क्लैडी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट यानी क्लैडी बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आपने इसमें कितना मान, इसमें गिनना था कितना हो गया, 3 + 3 + 3 9 9 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेट, एक सेट में कितने क्रोमोसोम हैं, तो सेट कैसे बनेगा, तो जितने टाइप के क्रोमोसोम है सबका एक एक क्रोमोसोम ले लीजिए। मान लीजिए मैं इसको मैं वहां पे फर्स्ट सेट कह दूं, इसको मैंने फर्स्ट सेट कहा, इसको मैं सेकंड सेट कह दे रहा हूं, इसको मैं थर्ड सेट कह रहा हूं, क्या करना पड़ेगा, वो सेट कैसे बनेगा, एक एक क्रोमोसोम हर सेट में से ले लीजिए, एक क्रोमोसोम फर्स्ट सेट का लेंगे, एक सेकंड का लेंगे, एक थर्ड का लेंगे, तो हमारे पास एक सेट में कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे। हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 3 + 3 + 3 9, अपान नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए सेट, एक सेट में कितने क्रोमोसोम है तो कैसे मिलेगा, एक यहाँ का 3 हो जाएंगे, तो 9 × 5 कितना, 3 हो जाएगा। ये तो थ्योरी है, फार्मूला है, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है प्लैटी जानने का, कि आप देखिए सिर्फ, और ऐसे पता किया हो जाता है प्रैक्टिकली भी, कि एक जगह पे कितने क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं, अगर तीन तीन पेयर कर रहे हैं तो ट्राईप्लैट, अगर खाली दो दो पेयर कर रहे हैं तो डाईप्लैट, अगर चार चार पेयर करेंगे तो टेट्राप्लैट हो जाए। और मैं फिगर दिखाऊंगा आपको, देखिए ऐसा मान लीजिए मुझे मुझे कहना हो कि सब न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, एक दूसरे प्लांट का न्यूक्लियस है, एक तीसरे का न्यूक्लियस है, एक चौथे का न्यूक्लियस है, हमने कहा कि चार प्लांट है, मान लीजिए मैं कह दू हमारा ये प्लांट नंबर 1, ये हमारा प्लांट नंबर 2 है, ऐसे इसको आप प्लांट नंबर 3 मान लीजिए, और ऐसे मान लीजिए प्लांट नंबर 4, और मान लीजिए क्या किया गया, इसमें इसमें इसके न्यूक्लियस को प्रॉपरली स्टेन करके, और क्या किया जा रहा है, इसको यहाँ पर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है। मान लीजिए देखने में क्या मिला, यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐसे है, एक ऐसे दिखाई पड़ रहा है क्रोमोसोम, एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, और एक मान लीजिए ऐसे दिख रहा है, चार क्रोमोसोम हमको ऐसे दिखाई दिए, लेकिन कोई क्रोमोसोम यहाँ पेयर नहीं किया, चारों अलग अलग। तब बताइए चारों के अलग अलग रहने का क्या मतलब, जरा सोचिए बताते। ऐसे मान लिया यहाँ पे कह दिया गया कि यहाँ जो क्रोमोसोम्स क्या है, सब के सब यहाँ क्रोमोसोम पेयर, ये क्रोमोसोम ऐसे पेयर में, ऐसे क्रोमोसोम यहाँ पर मान लीजिए कह दिया कि यहाँ पर हम चार ही ले लें, लेकिन यहाँ पे सब यहाँ क्रोमोसोम पेयर में है। फिर प्लांट नंबर 3 मान लीजिए हमको दिखाई पड़ा कि यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे 3 क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। और यहाँ मान लीजिए तो प्लांट नंबर 4 है, यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे चार चार क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं, एक जगह पे चार क्रोमोसोम, यहाँ से प्लाडी आप ढंग से समझ पाएंगे, वो किस से प्लाडी क्लियर नहीं होती ढंग से। ऐसे ये हमको रियली दिखाई देगा, हमने देख लिया ऐसा दिख रहा है, तो आपको क्या बताना है, ये तो भैया तो फार्मूला लगाइए, और ये सबसे आसान तरीका जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कि बस देखिए यहाँ पे एक जगह कितने क्रोमोसोम,
आप क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे चार क्रोमोसोम चार अलग अलग जगह पे, कोई पेयरिंग हो ही नहीं रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक, पेयरिंग हो नहीं रही है। तो कोई पूछे पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है, तो हम रूल क्या जानते हैं कि अगर जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स होंगे तो पेयरिंग होगी, और जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स नहीं होंगे तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक ना। तो इसका मतलब अगर कोई क्रोमोसोम पेयर नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे जीन्स अलग अलग। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं जीन अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पर जीन है इस तरह के, यहाँ जीन है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ जीन है स्मॉल डी और स्मॉल ई, यहाँ जीन है स्मॉल एफ स्मॉल जी, यहाँ है एच और आई। अब बताइए जब हर क्रोमोसोम पे जीन अलग अलग है तो क्या यहाँ पर क्रोमोसोम पेयरिंग होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग कब होती है, पेयरिंग बिटवीन सिमिलर यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग होती है, और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तब इस पर जीन है ए बी सी, यहाँ जीन है डी एन डी मान लिया, यहाँ एक और जी मान लिया, यहाँ एच और आई मान लिया, पेयरिंग नहीं होने वाली है। तो जहां पेयरिंग नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या आपका ऑर्गेनिज्म कैसा है, वो मोनोप्लाइड है, मोनोप्लाइड है। क्यों, एक जगह पे देखिए खाली एक ही क्रोमोसोम है, तो जहां पे पेयरिंग अगर नहीं हो रही है तो क्या हमारा है, हमारा ये मोनोप्लाइड, ये हमारा मोनोप्लाइड है। और मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ जो नॉर्मल डाइप्लाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए मोनोप्लाइड हैप्लाइड दोनों बराबर होता है। तो मोनोप्लाइड कहिए, क्या कहिए इसको, हैप्लाइड कहिए, ये आपका हैप्लाइड है। किसके लिए, नॉर्मल डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म के लिए मोनोप्लाइड हैप्लाइड दोनों सेम होता है। अब यहां देखिए यहां क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दो क्रोमोसोम एक साथ पेयर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर इसमें एक क्रोमोसोम पे जीन आपका होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो दूसरा जो पेयर कर रहे हैं यहाँ पे जीन आपका वही है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर हो गए, पेयरिंग यहाँ पर हो गए। ऐसे मान लिया यहाँ पे जीन है हमारे पास, यहाँ जीन डी है और ई है, इस पर भी जीन आपका डी और ई है, तो जेनेटिकली सिमिलर हो गए, यहाँ पेयरिंग हो गई, ठीक है ना। यहाँ पेयरिंग क्यों हो रही है, मान लिया यहाँ पर जीन है हमारे पास, यहाँ पर इसके पास एफ और जी दो जीन है, यहाँ पर भी जीन एफ और जी होंगे, पेयरिंग हो गई। यहाँ पर मान जीन यहाँ पे एच और आई है, यहाँ पे जीन आपका एच और आई है, पेयरिंग यहाँ पर हो गई। इस तरह ध्यान दीजिए आप कह रहे हैं ये वाले इससे पेयर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर जीन है ए बी सी और यहाँ जीन है डी और ई, तो क्या ए बी सी वाले से डी ई पेयर करेगा, कभी नहीं पेयर करेगा, ए सी डी के डिफरेंट यहाँ पर हो गए। तो अब ये ए दोनों देखिए हमारे, ये ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ है, तो पेयर कर जाएंगे, ठीक है ना, पेयरिंग हो गई। प्लांटी के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली गिनिए कि एक जगह जो है क्रोमोसोम वहां कितने क्रोमोसोम पेयर किए, एक जगह कितने क्रोमोसोम पेयर किए हैं। अगर फार्मूला लगाना पड़ेगा तो दो दो क्रोमोसोम के चार सेट हैं, तो दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो आठ हो जाएगा आठ, और बटे आप देख रहे हैं कि एक जगह कितने क्रोमोसोम है, दो है तो आठ बट रहे, यहाँ पर आठ बजे कितना हो जाए, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आठ हो गए, और एक सेट में कितने क्रोमोसोम है कैसे मिलेगा, एक एक हर जगह से ले लीजिए, तो एक वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन यानी फोर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका हो गया एट अपान, एक सेट में कितने क्रोमोसोम है चार, तो एट अपान फोर क्या आएगा, टू आ जाएगा। क्या तो उस फार्मूले के चक्कर में पड़िए, वो किस बात करिए, या फिर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करिए, ट्रिकी बात करिए कि बस एक जगह पे कितने क्रोमोसोम है यही गिनना है। तो एक जगह पे आप देख रहे हैं हमारे इस एग्जाम्पल में दो क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है, यानी दो दो क्रोमोसोम ही पेयर कर रहे हैं, इसलिए प्लांटिंग क्या हो जाएगी, ये हमारा फिगर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइप्लाइड ऑर्गेनिज्म का, ये हमारा डाइप्लाइड ऑर्गेनिज्म का है। और इसी बेसिस पे आप यहाँ कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे तीन तीन क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं, तो कितने क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है एक जगह पे, तो इसकी प्लांटिंग बताती है। ये फिगर हमारी प्लांटिंग कैसा हो गया, ये हमारा ट्राइप्लाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे चार चार क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है, तो जितने क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है एक जगह पे वही आपका प्लांटिंग होते हैं, कैसा आपका होगा टेट्राप्लाइड, ये हो गया टेट्राप्लाइड हो गया, ठीक है ना। और डाइप्लाइड के आगे वाले सबको हम लोग पॉलीप्लाइड ही कहते हैं, ट्राइप्लाइड टेट्राप्लाइड ट्रिटाप्लाइड हेक्साप्लाइड सब सब क्या होंगे, पॉलीप्लाइड्स ही होंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्या करना है, आज हम बात करते हैं पॉलीप्लाइड्स की। तो पॉलीप्लाइड को रियली आप समझेंगे क्या कि पॉलीप्लाइड्स क्या होते हैं, तो अगर मैं यहां दिखाना चाहूं
बाद कि पॉलीप्लॉइड क्या होते हैं, तो पॉलीप्लॉइड्स के लिए आप लिख सकते हैं क्या कि पॉलीप्लॉइड्स आर द ऑर्गेनिज्म हैविंग कितना मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉलीप्लॉइड्स आर द ऑर्गेनिजम्स, पॉलीप्लॉइड्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स हैविंग मोर देन टू, दो से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हो गया पॉलीप्लॉइड की डेफिनेशन। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि हमने रियल में एक सेल लेकर के उसका हमने न्यूक्लियस अगर स्टेन किया होता और उसको माइक्रोस्कोप में देखे क्या मिलता हमको, तो वहां क्या मिलता कि एक जगह पर दो से ज्यादा क्रोमोसोम का पेयर होता, है ना, तीन क्रोमोसोम पेयर करते अगर ट्रिप्लॉइड होता, चार पेयर करते तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, पांच पेयर करेंगे हमारा पेंटाप्लॉइड हो जाएगा, छह पेयर करेंगे हेक्साप्लॉइड हमारा हो जाएगा, क्लियर। इसका मतलब क्या है, दैट इज दो से ज्यादा पेयर करना चाहिए, दैट इज मोर देन टू क्रोमोसोम्स pair at one place, एक स्थान पर दो ज्यादा क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, है ना, जैसे मान लीजिए इनका जैसा ऑर्गेनिज्म है, देखिए आपने कहा तीन तीन क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है, इस तरह से तीन तीन पेयर कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है तो क्या होगा हमारा ट्राइप्लॉइड हो गया, ये हमारा ट्राइप्लॉइड हो गया, ठीक है, ऐसे चार चार पेयर करेंगे टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, पांच पांच पेयर करेंगे पेंटाप्लॉइड हो जाएगा, और आप जानते हैं आपका जो सबसे कॉमन हमारा ब्रेड व्हीट होता है गेहूं, तो हमारा जो ब्रेड व्हीट है, ब्रेड व्हीट वो कैसा है, आप जानते हैं हेक्साप्लॉइड होता है, तो इसके हेक्साप्लॉइड होने का मतलब क्या जानते हैं, आपका हेक्साप्लॉइड, तो इसका सिंपल सा मीनिंग समझिए क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मान ली यहाँ पे क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या होगा, एक जगह पे छह क्रोमोसोम पेयर करेंगे, जितने क्रोमोसोम एक जगह पेयर करेंगे वही उसकी प्लाइडी होती है, बात आप मत भूलिए, जितने क्रोमोसोम एक जगह पेयर करेंगे वही उसकी प्लाइडी होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे से 1 2 3 4 5 6 छह क्रोमोसोम जैसे पेयर करेंगे, है ना, और ऐसे ऐसे सात क्रोमोसोम की झुंड होती है, सात जगह पे छह छह क्रोमोसोम पेयर करते हैं, मानिए हमारा हो गया, अगला हमारे यहाँ कैसा है, तो ऐसे ऐसे छह क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 छह यहाँ पेयर करके, ऐसे मैंने मैसेज दिखाऊंगा, यहाँ पे ऐसा ऐसे बना दिया जाए 1 2 3 4 5 और ऐसे यहाँ पे 6 छह क्रोमोसोम पेयर करेंगे, ऐसे ऐसे सात वहां पे क्रोमोसोम के वहां पर झुंड होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अभी मिठाई तीन होने दिखाई जगह नहीं है, आप इमेजिन कर लीजिएगा ऐसे ऐसे छह छह क्रोमोसोम के साथ वहां पे सेट हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है 42 हो जाता है, 6 × 7 हमने पहले तीन दिखाया है, ऐसे ऐसे सात होते हैं, ठीक है ना, तो क्या गिनना है प्लाडी के लिए, कुछ मत करो भाई, एक जगह पे कितने क्रोमोसोम पेयर किए वही गिन लीजिए, हमने दिखाया कि यहाँ एक जगह पे खाली तीन पेयर किए हैं तो आपका ट्राइप्लॉइड हो गया, व्हीट कहते हैं व्हीट हमारा हेक्साप्लॉइड, इसका मतलब क्या है, एक जगह पे छह क्रोमोसोम पेयर करेंगे तो आपका हो गया हेक्साप्लॉइड, एक जगह पे चार पेयर करेंगे तो बोलेंगे टेट्राप्लॉइड, एक जगह पे तीन पेयर करेंगे तो आप बोलेंगे ट्राइप्लॉइड, एक जगह पे दो पेयर करेंगे तो बोलेंगे डाइप्लॉइड, और कोई पेयरिंग अगर हो ही नहीं रही है सब अलग अलग क्रोमोसोम है तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मोनोप्लॉइड, ठीक ना, एक जगह खाली वाली थी क्रोमोसोम है, तो मेरे हिसाब से भाई प्लाइडी में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और पॉलीप्लॉइड क्या होते हैं समझ में आ गया, हो गया पॉलीप्लॉइड क्या होते हैं, आर द ऑर्गेनिज्म कितना हैविंग कितना मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दो से ज्यादा क्रोमोसोम के सेट होंगे, और इसका समझने वाला मतलब क्या है कि हर जगह पे दो से ज्यादा क्रोमोसोम पेयर करना चाहिए,
अगर तीन पेयर करेंगे तो ट्राईप्लैड हो जाएगा, पॉलीप्लैड। अगर हमने आपने छह पेयर करा दिया तो आपका हेक्साप्लैड हो गया। पांच का पेयर हो रहा है एक साथ, पेंटाप्लैड होगा। एक साथ चार पेयर कर रहे हैं, टेट्राप्लैड होगा। ये सब ट्राईप्लैड, टेट्राप्लैड, पेंटाप्लैड, हेक्साप्लैड, प्लैड, ऑक्टाप्लैड, डेकाप्लैड सब क्या है, सबके सब पॉलीप्लैड्स हैं। तो अब इसके बाद अब आपका प्लैडिंग को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने बुकिस और थ्योरेटिकल बात भी बता दिया और हमने अलग से प्रैक्टिकल बात भी बता दिया, प्लैडिंग कैसे डिसाइड की जाती है। और अगर आप लोग पढ़े हुए अच्छी जगह से, अगर आपने अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया होगा तो एमएससी में तो खुद प्लैडिंग निकलवाया जाता है। वहां पे आप जानते हैं अच्छी जगह से आपने पढ़ा, इंस्टीट्यूट अच्छे पढ़े होंगे, वहां पे अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा वहां पे रियल में एक सेल दे दी जाती है और उसकी प्लैडिंग खुद निकालनी होती है एक्सपेरिमेंटली। क्या पता करिए, कोई कोई स्ट्रक्चर दे दिया, कोई पार्ट काट के दे दिया, कैसे प्लैडिंग बताओ, वहां पे सब अपने हाथ से किया जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, वहां पर हम सेल लेंगे, सेल को हम यहाँ पे सेल को पहले आइसोलेट करेंगे, उसको क्या करते हैं फिर उसके न्यूक्लियस के हम प्रॉपर स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग करने के बाद उसको यहाँ पर हेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, वहां पता चलता है कितने क्रोमोसोम के सेट है और ये बड़े साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। जब आप इसको जब फ्यूजन रिएजेंट से रंगेंगे ना, एकदम चमकती हुई फिगर क्रोमोसोम की आती है और साफ साफ वहां दिखाई पड़ता है एक जगह कितने क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं, है ना। ये साफ अब दिख जाएगा कि चार की पेयरिंग हुई है, कि पांच की पेयरिंग हुई है, कि दस की पेयरिंग हुई है। तो जितने क्रोमोसोम एक जगह पेयर करेंगे वही कह रहा है उसका प्लैडी। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। तो हमने आपको सारी बात बता दिया, हमने बुक में जो लिखा है वहां शुरुआत किया था, फिर हमने आपको फार्मूला निकाल के दिखा दिया, और फिर हमने आपको प्रैक्टिकल ही बता दिया कैसे प्लैडी डिसाइड की जाती है। कुछ नहीं करना है, एक जगह पे कितने क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं वही उसकी प्लैडी होती है। और बताने के लिए क्या है कि जितनी प्लैडी उतने क्रोमोसोम सेट होते हैं, है ना। मोनोप्लैड के पीछे मोनोप्लैड में कितने क्रोमोसोम सेट आप बताएंगे, एक सेट। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में खाली एक क्रोमोसोम का सेट है उसे कहा जाएगा मोनोप्लैड। कहा जाएगा दो क्रोमोसोम सेट है डाईप्लैड, थ्री क्रोमोसोम सेट्स हैं ट्राईप्लैड, फोर क्रोमोसोम सेट्स हैं टेट्राप्लैड। ये आपकी बुकिस डिफिनेशन और ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाले यानी एग्जाम पूछा क्वेश्चन का पैटर्न है। लेकिन रियल में समझना है तो रियल में है, एक जगह जितने क्रोमोसोम पेयर करेंगे वही उसकी प्लैडिंग होती है, ठीक है ना। तब प्लैडिंग को लेकर कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। और हमने पॉलीप्लैड भी बता दिया कि पॉलीप्लैड क्या होते हैं, जिनके पास क्या करें दो से ज्यादा क्रोमोसोम एक साथ पेयर करें वो कहलाते हैं हमारे पॉलीप्लैड्स। और शब्दों में क्या कहेंगे, जिनके पास मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का नाते हैं पॉलीप्लैड। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे एग्जांपल अगर दिखाऊं, एग्जांपल में क्या बोलेंगे आप, यहां पे एग्जांपल में आप कह सकते हैं क्या, ट्राईप्लैड। ट्राईप्लैड क्या है, पॉलीप्लैड्स, ट्राईप्लैड। ऐसे टेट्राप्लैड, टेट्राप्लैड कह लीजिए, ऐसे पेंटाप्लैड कह लीजिए, सब के सब क्या है पॉलीप्लैड। पेंटाप्लैड या जो हम लोग का व्हीट है, रेड व्हीट को कैसा हेक्साप्लैड, ये भी पॉलीप्लैड, ठीक है। तो इतनी बातें जानने के बाद आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा प्लैडिंग का थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, प्रैक्टिकल बेसिस क्या है और ट्रिक बेसिस क्या है प्लैडिंग को निकालने का। हमने तीनों बता दिया, ढंग से देखिएगा समझ में आपके आ जाएगा, ठीक। अब पॉलीप्लैड और आगे बढ़ते हैं कि पॉलीप्लैड के टाइप क्या होते हैं। एक्चुअली देखिए क्या है, आज आपका टॉपिक ये जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद से जेनेटिक्स का पार्ट बचता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को हम लोग कुछ समय के लिए रोकेंगे। क्यों, क्योंकि जो अब तक पढ़ लिया, देखिए जेनेटिक्स थोड़ी सी टेक्निकल होती है, थोड़ी टेक्निकल है, टिपिकल है, थोड़ी डिफिकल्ट भी है। आप इसको ढंग से रिवाइज आप लोग कर ले, रिवाइज करने के बाद जिस दिन आप लोग कहेंगे हम लोग लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग या डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे, जब इस टाइम टॉपिक के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तब हम मॉलिक्यूलर ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद से कल से मंडे से आप जानते हैं जो आपकी क्लास का टाइम होगा वो 5:30 बजे शायद होगा, सो इस बात आपको कर लीजिएगा। तो उसमें क्या करना है, 5:30 बजे से मेरा अगर अपने आप ग्रुप कोई पूछे तो मुझे कहना ये है, मैंने पहले बात किया था कि अगर आप प्लांट ग्रुप्स पढ़ते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ से पढ़ते हैं, तो उन सबको पढ़ने के पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी एंजियोस्पर्म का पढ़ लेना चाहिए। रीजन उसका ये होता है कि अगर आपने एंजियोस्पर्म को पढ़ लिया, देखिए
क्योंकि हम लोग बिगिनर तो है नहीं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसे आपके लेवल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अगर हमने एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, अगर हमने एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी पढ़ लिया, अगर हमने एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ लिया, तो अब बताइए यही सब तो पढ़ा जाता है लोअर प्लांट एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा में। तो जो सबसे एडवांस ग्रुप है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसको पढ़ लेता हूँ तो एल्गी फंजाई ब्रायोटेरिडो में क्या पढ़ने में कोई दम लगाना पड़ेगा? कुछ नहीं रहेगा। वो एल्गी क्या है? सिंपलेस्ट प्लांट है। ब्रायोफाइटा में भी मोरालेस ऐसे हाल है। टेरिडोफाइटा में सबसे पहले टिश वर्ड आता है, जानते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक एक्सपर्ट एडवाइस है, जिसमें 26 to 27 ईयर का हमारा, मैं 1998 से पढ़ा रहा हूँ भाई, जुड़ लिए 26वां साल है। मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर कह सकता हूँ कि प्लांट ग्रुप पढ़ने के पहले आपको पहले एंजियोस्पर्म पढ़ना चाहिए, ताकि प्लांट ग्रुप पढ़ना बिल्कुल, कहते ना देहाती भाषा में, घंटुआ हो गया, मतलब मोस्ट इजी हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। स्ट्रक्चर पढ़ना है, अरे यार एल्गी में क्या होते हैं, और क्या होता है, डिफरेंट टाइप के असेंबलीज मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप के फार्म मिल जाते हैं, मतलब पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे चलते हुए हमने पहले ही प्लांट एनाटॉमी, मतलब एंजियोस की एनाटॉमी हमने पढ़ा दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। डाउट जो होंगे आपके पास वीडियो से मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। डाउट जो होगा उसको हम लोग डाउट ट्रेनिंग क्लास में क्लियर कर देंगे। तो इसलिए हमारी बात अगर आपको मानिए तो आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एनाटॉमी हो गई है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना चाहिए। और अगर एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या फायदा होने वाला है। आप जानते जाए गिन के देखिएगा आपको कि एंजियोस्पर्म के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टेक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप जानते हैं यहाँ से आते हैं, काउंट करके एग्जैक्ट नंबर देख देख लीजिए आप लोग कि एंजियोस्पर्म को पूरा करके कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आजकल तो आप जानते हैं मार्केट में बुक्स अवेलेबल है जहां पे ऑलरेडी गिना गिनाया है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस ईयर में आए हैं, तब तो गिनने की जरूरत भी नहीं है, वो लोग ऑलरेडी गिन के रखे हुए, ठीक ना। इससे आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे पहले डायरेक्ट, आप फिर प्लस जो लोअर प्लांट जब पढ़ना शुरू करेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए आप लोग अगर बिगिनर होते हैं हमें ये कहते हैं चलो पहले एल्गी पढ़ लेते हैं, फिर पंजाई पढ़ते हैं, फिर ड्राइव पढ़ते हैं, फिर टेडो पढ़ते हैं, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स कर पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम से कम आप लोगों में से हर व्यक्ति एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होगा ही ना, तभी तो कम से कम टीजीटी देगा, कम से कम बीएससी बीएड किया होगा वो, और अधिकांश लोग एमएससी किए हो, सकता कोई पीएचडी भी किए हो, ठीक। तो कम से कम यानी हमारे इस क्लास में कम से कम जो बैठा होगा एटलीस्ट वो ग्रेजुएट होगा, बीएससी किया होगा। इसलिए हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको हम जरूर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप लोगों को कल के क्लास से एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना चाहिए इंड्यूसमेंट की। उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सेकेंड ओपिनियन या सेकेंड व्यू बता दीजिएगा, वो टॉपिक हम शुरू कर देंगे। हमें कोई टॉपिक पढ़ के नहीं पढ़ाना होता है, जो टॉपिक आप कह देंगे हम तुरंत वही शुरू हो जाए, पूरे पूरे मतलब पूरे बॉटनी में से, पूरे बायोलॉजी में से एक दो टॉपिक जो जूलॉजी वाला है थोड़ा सा वो कम हमको इंटरेस्ट देता है उसमें, जिसको पढ़ा रहे हैं आपके अशोक जी, तो उनको छोड़ दिया तो पूरे बायो में से चाहे जहां से आप कहेंगे ये टॉपिक पढ़ना है तुरंत शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि हम कल से पढ़ाएंगे, नहीं, तुरंत जहां से आप कहेंगे वहीं शुरू करेंगे। क्योंकि यार कितने 100 बैच पढ़ा दिए भाई, कितना पढ़ना पड़ेगा, अपने अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ा, फिर पढ़ाने के लिए इतनी बार पढ़ा जा चुका है मेहनत करके कि अब कुछ बचा नहीं है कि हाँ इसको दोहराना है, क्या दोहराना है बताइए। आप चाहे आज मान लीजिएगा आप लोग क्लास में छूटिएगा, आप टॉपिक बदल दीजिएगा 5 मिनट बाद, मैं अपना बदल दूंगा, तुरंत बदल दूंगा, ठीक ना। हाँ ये चीज आपके पास आ जानी चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप याद रखिए 3 घंटे में पूरी की पूरी कंप्लीट बायोलॉजी आपको सॉल्व करना है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपको कहना चाहिए, आपके अंदर वो कैपेसिटी आनी चाहिए कि हमारा सारा इकट्ठे तैयार हो गया। और जिस दिन मैक्सिमम टॉपिक आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे उस दिन आपका सेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। ये करिए तो चलिए पहले आज उसको पाली प्लांट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, टाइप ऑफ पाली प्लांट बता के, और कल के क्लास में हम लोग इंद्रियाजी करेंगे। हाँ देखिए प्लाइडी पढ़ने का फायदा एक और हो जाएगा, जब इंद्रियाजी में कहेंगे कि हैप्लाइड सेल है, ये मोनोप्लाइड सेल है, डिप्लाइड सेल है, ट्रिप्लाइड सेल है, पॉलीप्लाइड सेल है, तो अब जब इंद्रियाजी में सारे टर्म यूज करेंगे तो आपने जेनेटिक्स में सारी बातें ढंग से पढ़ लिया कि प्लाइडी क्या होती है, तो हम इसको बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। इलाहाबाद में मेजोरिटी आप जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन बता ही दे रहे हैं,
वो अपने पसंद का टॉपिक पहले पढ़ाते हैं जिस पे उनका अच्छा कमांड होता है। मेरी कोई पसंद नहीं है, मुझसे कोई कहे सबसे टेढ़े टॉपिक पहले पढ़ाते, पहले सबसे टेढ़े को सीधा करो, जो डिफिकल्ट है पहले उस पर कमांड करो। अब प्लांट ग्रुप पढ़ना है यार, बताओ अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ लिया है, एंजियोस्पर्म आपने कंप्लीट पढ़ लिया है पूरा, उसको मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलगी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ने में कोई समय लगेगा या कोई मेहनत करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक कोला एक कोला नहीं तो मिलता था ही नहीं वहां पे, बहुत आसान है। वहां पे क्या करना है, वहां पे प्लांट के कुछ नाम याद कर लेने हैं, थोड़ा लाइफ साइकिल पैटर्न आपको याद कर लेना है, थोड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद कर लेना, और क्या याद करना हो भाई, समझने के नाम पे कुछ नहीं बचता मेरा ना। हाँ, चूंकि सिलेबस में है तो सिलेबस देख करके और बिल्कुल आपको उनके सिलेबस के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे आपने एलगी पढ़ा, एलगी का जनरल करेक्टर पहले पढ़ना चाहिए, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, और हमारे सिलेबस में जो जो स्पेसिमेन जो जो मेंबर दिए हैं उनका स्ट्रक्चर और उनकी और उनका पूरा लाइफ साइकिल, अगर कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना चाहिए। तरीका यही है, क्वेश्चन ऐसे ही आते, यही तरीका होता है कि हम पहले जनरल कैरेक्टर पढ़ना, हम वाले हमको पढ़ना है, हमको ब्रायोफाइटा पढ़ना है तो जनरल कैरेक्टर ब्रायोफाइटा का पढ़ लीजिए, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, और उसके बाद से सिलेबस में देखिए कि कौन कौन से स्पेसिमेन आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो जिस जिस एग्जाम को देना है उसमें सिलेबस आपका ऑलरेडी मेंशन है कि भाई आरक्षा है, कुमारिया है, तो पेलिया है, कौन है, जो भी हो उनकी लाइफ हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए। मतलब इसके लिए आपको बिल्कुल अपने एग्जाम के जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ना है, जो स्पेसिमेन दिया है उसके बारे में आपको पढ़ना, यही तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए पहले पाली प्लेटफॉर्म आज कम्प्लीट कर लेते हैं, ताकि अगले दिन से हम लोग, अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोअर पे चले जाएंगे, मतलब एलगी फंजाई पढ़ाने लग जाएंगे, और अगर मेरी बात मानेंगे हम लोग को इंग्रेजी पहले पढ़ना चाहिए। ठीक, जैसा आप लोग कहेंगे हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लेक्स शुरू हम कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीप्लेक्स